हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम धरा है ना एम द ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन दो टॉप थ्री थिंग्स जो आपको किए बिना 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर ये टॉप तीन चीज़ें हैं जिसके बिना आप अपना अप्रैल महीना शुरू कर ही नहीं सकते दीज आर कंपल्सरी टिक मार्क्स फॉर यू जो आपको इन एनी वे आपको मार्च में कम्प्लीट करना है सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट टू इट आगे बढ़े उससे पहले डोंट फर्गेट टू लाइक टू दैनल क्लिक द बेलन ताकि हर सैटरडे हमारा जो वीडियो आता है एक भी वीडियो ना करो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में बिल्कुल भी मिस आउट ना हो मैक्सिमम आउटपुट आपके बिजनेस में क्रिएट कर सको दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस चैनल राइट सो लेट्स गेट टू द टॉप थ्री थिंग्स पॉइंट नंबर वन क्लियर टार्गेट एंड एक्शन प्लान आपका 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका टारगेट एकदम ही क्लियर होना चाहिए व्हाट आर यू एमिंग एट और वो किस तरह से आप हासिल करने वाले हो उसका एक्शन प्लान व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर दिस ईयर उसकी पूरी की पूरी क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए ऑन पेपर मन में नहीं मैंने दिमाग में सोच लिया है क्या टारगेट बनाना है दिमाग की सारी बातें शेख चिली की बात है कुछ भी दिमाग में नहीं सब कुछ ऑन पेपर राइट सो योर नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट आप कर रहे हो वो और उसका एक्शन प्लान कि कैसे उसको अचीव करने वाले हो इसकी क्लैरिटी ऑन पेपर होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू है आपके बिजनेस का बजट आपको अपने ये साल का फाइनेंशियल बजट बनाना है कि आपका इतना टारगेट है उसके हिसाब से आप कितना परसेंट प्रॉफिट रख के कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने वाले हो कितना परसेंट आप किस चीज़ को देने वाले हो सपोज़ ये साल आप ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ करना चाहते हो तो ट्वेंटी परसेंट कहाँ पर अगर ट्वेंटी परसेंट ग्रो करना है तो कौन से रिसोर्सेज में आपको और पैसे डालने पड़ेंगे फॉर एक्ज़ाम्पल टीम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या सिस्टम प्रोसेस किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर ये बजट नहीं बनाओगे तो हाथ का पैसा जो है जो मैक्सिमम लोगों के साथ बिजनेस में होता है कि प्रॉफिट जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है है ना एंड ऑफ द डे अकाउंट पे पैसा दिखता ही नहीं नेवर रिफ्लेक्ट्स इन द अकाउंट टर्नओवर पेपर पे ही दिखता है है ना इट डजन रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट सो यू हैव टू सेट अ प्रॉपर बजेटिंग स्ट्रक्चर कि ये साल मेरे टारगेट के हिसाब से मुझे किस तरह का बजट चाहिए इसमें चाहिए तो आप मेरा एज अ कंसल्टेंट भी इनपुट ले सकते हो आपके सीए का भी इनपुट ले सकते हो आपकी कोई फाइनेंशियल गाइड है उनका भी इनपुट ले सकते हो कि मेरे ये बिज़नेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा बिजनेस बजट कैसे मुझे बिठाना चाहिए तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बिना चौबीस पच्चीस में एंट्री नहीं मार सकते नेक्स्ट आगे बढ़े इससे पहले अ वार्म इन्विटेशन टू ऑल द बिजनेस ओनर्स एंड ऑल द सेल्स प्रोफेशनल्स ऑन द यूट्यूब चैनल हमारा जो कम्युनिटी टैब है उस पर प्लीज एक्टिव रहिए जिससे आप हमारे एंड से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो हम एवरी मंथ एक लाइव वेबिनार करते हैं फॉर बिजनेस ओनर्स उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप आप तक पहुंचे तो वो कम्युनिटी टैब में आप एक्टिव रहिए और भी चीजें जो हमें लगता है आपके फायदे की है वो हम वहाँ पे डालते हैं सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट सेकेंड थिंग जो आपको मिस आउट नहीं करनी है अगर आप बिजनेस ओनर हो एंड यू वांट अ वन टू वन मेंटोरशिप फ्रॉम आवर एंड सच दैट वी कैन हेल्प यू एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन योर बिजनेस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पे जाइए हमारे अचीवमेंट एक्सेलरेटर मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए आप तो अप्लाई कर सकते हो एंड अगर हमें लगा कि हम एक परफेक्ट फिट है वी विल सी हाउ थिंग्स वर्कआउट सो वी विल डेफिनेटली वर्क विद यू एंड हेल्प यू अचीव यर बिजनेस गोल्स एंड टारगेट्स अभी तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है हमको सबसे ज़्यादा इंक्वायरी ये टाइम पर ही आती है एंड देर आर वेरी फ्यू एक्शन टेकरस जो एक्चुअल में वो झंडा उठाते हैं हमारे साथ एंड दे क्रिएट मरैकल्स राइट सो आई इन्वाइट ऑल द बिजनेस ओनर्स टू डू दैट इज वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम एंड सेल्फ लर्निंग प्लान ये साल में आप अपनी टीम के ग्रोथ के लिए क्या उनको लर्निंग्स दोगे क्या ट्रेनिंग्स दिलवाओगे उसका पूरा ईयरली चार्ट आपको रेडी रखना है आप क्या नई लर्निंग्स लोगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए आप अपने आप पे कहाँ कहाँ कौन सी कौन सी स्किल डेवलपमेंट में कौन से माइंड शिफ्ट में कौन सी, सी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे सो दैट यू ऑल्सो लर्न एंड ग्रो इट इज़ अ कंपलसरी थिंग टू इन्वेस्ट इन लर्निंग इन एनी फॉर्म आप कोई भी फॉर्म में सीखे दैट्स ऑल राइट बट यू हैव टू इन्वेस्ट आई द टाइम और मनी और टाइम एंड मनी बोथ वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ताकि आप भी अकाउंटेबल हो और सिर्फ सीखने के लिए नहीं बट एक्चुअल रिजल्ट के लिए आप सीखो राइट right? सो so आपका और आपकी टीम का दोनों का ये क्यूमुलेटिव प्लान बनना चाहिए कि आप लर्निंग में ट्रेनिंग में ये पूरे साल में किस हिसाब से वॉट इज योर प्लान एंड हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेन योर टीम and train your own self, take new learnings to grow and uplift, and reach your set target, reach your action plan, do your action plan, and follow through your budgets and make more and more profits. अगर आपने ये learnings properly ली, तो ये साल आपने जो भी intend किया है, अगर आप ये paper पे डाल रहे हो, ये video के बाद, all my blessings and best wishes are there on that piece of paper, on that diary, कि आप जो भी लिख रहे हो, सारी चीजों पे तसास्तु, and I hope and pray कि ये आपका जो भी इंटेंशन है जो भी आप प्रॉफिट्स करना चाहते हो जैसी भी टीम क्रिएट करना चाहते हो ये साल में वो डेफिनेटली कंप्लीट हो राइट सो नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा इफ यू वुड लाइक टू शेयर ऑल थ्री थिंग्स मोस्ट वेलकम इफ नॉट देन डेफिनेटली ये तो शेयर कीजिएगा ही कि आज के वीडियो से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया एंड क्या आप क्या, क्या करने वाले हो वॉट इज द एक्शन दैट यू आर गोइंग टू टेक ये साल में आप ये YouTube चैनल के साथ पूरी तरह से जुड़ते हो हर एक वीडियो सिर्फ इंप्लीमेंट करते जाओगे ना तो योर बिजनेस विल बी ऑन अनदर लेवल आई प्रोमिस दिस टू यू क्योंकि आपको जो भी लर्निंग चाहिए ना वो सारी ये यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी अगर कुछ नहीं है तो आप नीचे कमेंट करो वो भी हम डाल देंगे है ना एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर योर बिजनेस ग्रोथ सो आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर बी विथ हर्स कीप लर्निंग कीप ट्रेनिंग कीप कोचिंग योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंडिल नेक्स्ट टाइम बाय